हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू फॉर द फ्रेशर। फ्रेशर के इसलिए क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उन्हें इंटरव्यू का आइडिया हो जाता है, बट फ्रेशर को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि क्या पूछे जाएंगे या फिर इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगा या कैसे वो प्रोसीड करें या किस प्रोफाइल के लिए। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको सबसे पहले ये शॉर्ट लिस्ट करना होता है कि मतलब ये शॉर्टेड करना होता है कि आप किस प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हो, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसके लिए आप प्रिपेयर करते हो, उसके लिए इंटरव्यू प्रोसेस में ज्वाइनिंग करते हो। फ्रेशर के केस क्या होता है कि अभी अभी आप कॉलेज से निकले हो और आपको इंडस्ट्री का आइडिया नहीं होता है, तो आप उस केस में आपको कैसे जॉब गेट करना है या फिर कैसे अप्लाई करना उसका आइडिया नहीं होता, तो उसके लिए मैंने कुछ प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड करे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो फ्रेशर के लिए हेल्पफुल होने वाला है या फिर उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो अदर स्ट्रीम में है और आईटी सेक्टर में मूव करना चाहते हैं या फिर उन्हें आईटी सेक्टर में जॉब चाहिए होता है। जॉब का सीन आपको पता है कि जॉब अभी के सिनेरियो में बहुत कम है, लाइक गवर्नमेंट जॉब उतने नहीं है तो लोग प्राइवेट जॉब में आना चाहते हैं, तो प्राइवेट जॉब में भी जो आईटी सेक्टर के जॉब हैं वो काफ़ी लुक्रेटिव ऑफर करते हैं, आपको सैलरी भी अच्छी देते हैं और जॉब प्रोफाइल भी अच्छी होती है, ठीक है, तो ये काफ़ी लुक्रेटिव फील होता है आपको अगर आप आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं। तो आईटी सेक्टर में आने के मतलब अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना होगा, या फिर आपको ये एक तरह से आप ये कह लो कि आपको ये समझना होगा कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज़ में, आप करना क्या चाहते हो। तो उसके लिए मैंने कुछ प्रोफाइल बनाया है, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट है, एनालिस्ट प्रोफाइल होती है। इस प्रोफाइल में आपको ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एनालिसिस करनी होती है, कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ डेटा होते हैं, उस पर आपको एनालिसिस करके कुछ रिपोर्ट बनाने होते हैं, बाय चार्ट बार चार्ट या इस तरह के चार्ट होते हैं जिससे आपको रिपोर्ट बनाना होता है। इधर वो रिपोर्ट पीपीटी में हो सकता है या फिर वो रिपोर्ट आपके डॉक रिपोर्ट हो सकते हैं या कोई ऑनलाइन रिपोर्ट हो सकता है। तो इस तरह के प्रोफाइल्स में आपका मेनली काम एनालिसिस का होता है, आपको कुछ दिया जाएगा, डेटा दिया जाएगा, आपको उससे एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाना होता है। यहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होती, लाइक आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करना होता, छोटे मोटे एनालिसिस कह लो आप, वो होता है, वो करना होता है इस तरह के प्रोफाइल में। नेक्स्ट प्रोफाइल जो हमने लिया है वो लिया है डेटाबेस मैनेजमेंट या डेटा साइंटिस्ट कह लो आप, ठीक है, साइंटिस्ट कह लो या डेटा इंजीनियर कह लो। इस तरह की प्रोफाइल में आपको डेटा पे काम करना होता है, लाइक आपके पास 1000 रोज ऑफ डेटा होंगे, 1000 कॉलम ऑफ डेटा होंगे, उन डेटा पे परफॉर्म करना होता है, समटाइम फिल्टर करना होता है, क्लीनिंग करनी होती है या फिर उनको एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करके क्लाइंट को देना होता है, इस तरह के काम होते हैं। तो इस काम के लिए आपको जो स्किल आनी चाहिए वो है SQL आनी चाहिए, आपको DBMS आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब आप SQL और DBMS में जाओगे तो 2-3 टूल जो है डेटाबेस मैनेजमेंट वो आपको आना चाहिए, आप उसमें अपने करियर बना सकते हो। सिमिलरली हमने एक और नया जो प्रोफाइल लिया है वो है ग्राफिक्स डिजाइनर या फिर कंटेंट इंजीनियर, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है ग्राफिक्स डिजाइनर और कंटेंट इंजीनियर में। यह क्या होता है, जो आपका डिजाइनिंग स्किल होती है आपके अंदर, मतलब क्रिएटिविटी है आपके अंदर, डिजाइनिंग स्किल है, आपको पिक्चोरियल फॉर्म में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डिजाइन करनी होती है, लाइक एक फॉर्म बना दिया और बटन लगा दिए इसमें, ठीक है, बटन के क्लिक पे क्या होगा, ऐसी तरह की रिक्वायरमेंट आते हैं जो आपको डिजाइनिंग के थ्रू आप सॉल्व करते हो। कंटेंट इंजीनियर भी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, आइदर वो वीडियो कंटेंट हो या कैसा भी कंटेंट हो, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन भी अपने ऐसे कंटेंट बनवाते हैं, तो उनके लिए उनका अपना अलग से ग्राफिक डिजाइनर या कंटेंट इंजीनियर होता है। तो अगर आप डिजाइनिंग में फैसिनेटेड हो तो आप यहाँ पे अपना करियर बना सकते हो डिजाइनर के रूप में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोफाइल जो हमने लिया है
वो आईटी मैनेजर और नेटवर्क सिक्योरिटी का लिया है। लाइक आपको नेटवर्किंग बहुत पसंद है, आप लैंस और मैन मतलब इस तरह की रिक्वायरमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आपको इस तरह की प्रोफाइल के लिए जाना चाहिए। इसमें आपकी सर्वर सिक्योरिटी हो गया, हाउ कंप्यूटर्स आर वर्किंग, हाउ दे आर कनेक्टेड, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी विल इन्वॉल्व। सो आपको इस प्रोफाइल के लिए नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत होती है। जो स्किल होनी चाहिए आपके अंदर वो नेटवर्किंग होनी चाहिए। इसके बाद मोबाइल डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट आती है। तो ऐप डेवलपमेंट भी आजकल आपको पता होगा बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। किसी भी चीज़ का आपको ऐप बनाना होता है, उसमें फ्रंट एंड से डेटा आता है या बैक एंड से डेटा आता है, वो आप ऐप डेवलपमेंट में बनाते हो। इसके लिए जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट होता है वो जावा के थ्रू होता है, कॉटलिन के थ्रू होता है, रिएक्ट नेटिव के थ्रू होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो मेन जो आपको सभी को लुक्रेटिव एक ऑफर लगता है, एक प्रोफाइल लगती है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की है। सॉफ्टवेयर डेवलपर में मेनली जो प्रोफाइल होती है वो प्रोग्रामिंग के लिए होती है। मतलब आपकी प्रोग्रामिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस स्किल में आपको लाइक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जावा पाइथन, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, PHP, कोई भी आप एक पाइथन, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुन सकते हो और उस पर अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो और सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज होता है, फ्रंट एंड लैंग्वेज के लिए होता है। बाकी दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग चीज़ होती है, मतलब अलग चीज़ नहीं होती। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वो बैकएंड इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जावा स्क्रिप्ट में नोड जीएस के थ्रू बैकएंड इन्वॉल्व होता है। इसके बाद हमने वेब डेवलपमेंट और फुल स्टैक डेवलपमेंट किया है। वेब डेवलपमेंट और फुल स्टैक डेवलपमेंट को मैंने एक साथ मर्ज करने की कोशिश की है। वेब डेवलपमेंट में भी आपको जो स्किल चाहिए होता है वो HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट फॉर द फ्रंट एंड, ठीक है, और बैकएंड। अगर आप फुल डेवलपमेंट में जाते हो तो फ्रंट एंड और फ्रंट एंड प्लस बैक एंड भी आपको आना चाहिए। बैक एंड में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लाइक नोड जेएस या फिर PHP, पाइथन, कुछ भी एक लैंग्वेज यूज कर सकते हो। तो अगर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी है तो आप इस तरह की प्रोफाइल में जा सकते हो, और उसके बाद आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से आपको चूज करना होगा। ठीक, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के प्रोफाइल हो सकते हैं। एक बार आप अपनी फाइनलाइजेशन कर लोगे कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, उसके बाद आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो क्वालिटी एश्योरेंस की होती है। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है कि आपको टेस्टिंग करना होता है, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी प्रोडक्ट बना है, उसकी टेस्टिंग करनी होती है, जिसे टेस्टिंग इंजीनियर बोलते हैं। तो इस प्रोफाइल के लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे, एक बार जब हमने अपनी प्रोफाइल को या फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन 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 सी कंपनी में हम अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे पास कौन किस तरह की कंपनीज हैं जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो कंपनीज टारगेट करने के लिए हमारे पास है प्रोडक्ट बेस, ठीक है, दूसरा सर्विस बेस। प्रोडक्ट बेस कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनका अपना खुद का प्रोडक्ट होता है और उसी को वो डेवलप करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और उसी में उनका उसी के प्रोसेस में आपको काम करने को मिलेगा। जिस तरह की कंपनियों में जो लिस्ट है, सबसे पहले हम गूगल को मान लेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट को ले लेंगे, अमेजोन को ले लेंगे, ठीक है, इस तरह की कंपनियां होती है। ये आपको बहुत अच्छा पैकेज भी देती हैं और इनका हायरिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आप इसे भी टारगेट कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, पर ये थोड़ा सा इनका
हायरिंग प्रोसेस और लाइक वो इंटरव्यू थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सर्विस बेस्ड कंपनियां। सर्विस बेस्ड कंपनियों में आप देख सकते हो जो हमारी कंपनियां हैं, TCS, Accenture, विप्रो, HCL, मतलब ये सारी कंपनियां हैं, दो चार पांच हैं, फेमस हैं इंडिया में। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, जैसे कि ग्लोबल लॉजिक है, कॉग्निजेंट है, बहुत सारी कंपनियां हैं जहां जैसे आप टारगेट कर सकते हो और वो इनिशियल रेट में आपको हायरिंग देती हैं या फ्रेशर्स को भी हायर करते हैं। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आपको हायरिंग मिल जाएगी इसरो की, DRDO की, और उसके बाद NIC की, उसके बाद स्टेट लेवल की टीचिंग प्रोफेशनल, ये जॉब, ये भी गवर्नमेंट सर्विस बेस्ड कंपनियां आप कह सकते हो, इनका सर्विस बेस्ड कंपनी होता है। ये इनिशियल में आपको थोड़ी अच्छी पैकेज दे देती हैं, बट बाद में जाके वो उसी पे स्टेबल हो जाती हैं। और इन कंपनियों में आपको इनिशियल में थोड़ा कम पैसा मिल सकता है, पर बाद में वो थोड़ा इंक्रीमेंट अच्छा होता है। स्टेट बेस्ड टीचिंग में आपका अभी जो रिसेंट ईयर्स में चल रहा है, हरियाणा बेस्ड टीचिंग में हुआ है, बहुत सारे लोगों का मतलब बहुत सारी वैकेंसियाँ थी। DSSB में हर साल होता रहता है, वैकेंसीज आती रहती हैं। NIC आपका हर 2 साल या 3 साल पे साइंटिस्ट बी का पोस्ट निकालता है, आप इसे भी टारगेट कर सकते हो। जो गवर्नमेंट सेक्टर है इसमें मोस्टली आपका गेट बेस्ड होता है, कभी कभी वो गेट बेस्ड मांगते हैं, गेट क्वालिफाई होना चाहिए, कभी कभी वो डायरेक्ट 2 या 3 एग्जाम करके कर लेते हैं, लाइक प्री हो जाएगा, मेन हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। तो अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड हो तो इसको भी टारगेट कर सकते हो, नहीं तो आप इन्हें टारगेट कर सकते हो। टारगेट का मतलब टारगेट कैसे करना है इन कंपनीज को, उसका हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कंपनीज के रिगार्डिंग थोड़ी सी डिटेल हो गई थी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या 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 हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या है। सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या होता है कि ये इनके पास क्लाइंट होते हैं, उनके लिए ये काम करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सम टाइम क्या होता है कि ये जो सर्विस बेस्ड कंपनियों में काम कर रहे थे वो इनके लिए काम करते हैं, मतलब इनका कोई प्रोडक्ट होता है उसके लिए वो काम करते हैं, सम टाइम ये भी पॉसिबल होता है। सो हमने देखा कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, और आफ्टर प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग हमने टाइप ऑफ कंपनी और कंपनी शॉर्टलिस्टर भी देख लिया कि किस कंपनी को कैसे टारगेट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्या होता है। इंटरव्यू में आपका सबसे पहले मतलब कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि वो कितने इंटरव्यू लेंगे, कितने राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, पर जनरली हमने यहाँ पे 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू रखा है। पहला आपका HR राउंड होगा, फिर टेक्निकल राउंड होगा, फिर मैनेजर्स मीटिंग होगा, मतलब मैनेजर के साथ मीटिंग होगी। तो HR इंटरव्यू में क्या होता है, आपका HR जो है वो आपके बारे में, आपके कम्युनिकेशन बारे में जानना चाहते हैं। तो उसमें जो जनरल क्वेश्चन होता है सबसे पहला वो अबाउट योर सेल्फ होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसके लिए आप अपने एक छोटा सा इंट्रो तैयार कर लें पॉजिटिविटी के साथ, उसमें पॉजिटिव पॉइंट को मेंशन करते हुए एक इंट्रो तैयार कर लें। उसमें आपका नेम इंक्लूड हो सकता है, आपकी स्ट्रीम इंक्लूड हो सकती है, आपका प्रोजेक्ट इंक्लूड हो सकता है जो आपने करा है, आपकी स्किल इंक्लूड हो सकती है कि आपने इसमें क्या क्या स्किल आपको आते हैं। इस इंटरव्यू लाइक इस तरह के इंटरव्यू आपको हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स मेंशन करने होंगे, पॉजिटिव अप्रोच रखना होगा और भी प्रोफेशनल होना होगा, मतलब आप कोई भी ऐसा आंसर ना करें जो उन्हें आर्गुइस्टिक लगे या फिर ऐसा हो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ऐसे भी आप ना करें। वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव और
प्रोफेशनल वे में आंसर करें। बिगेस्ट अचीवमेंट पूछ सकते हैं, ग्रेटेस्ट फेलियर पूछ सकते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछ सकते हैं आपके इंटरव्यू में, इनिशियल बार में जो एचआर आपसे लेंगे। तो इसमें वो केवल आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं कि आप कितने प्रोफिशिएंट हैं। अगर आप थोड़ी सी भी इस पे काम करेंगे तो आप एचआर राउंड क्लियर कर लेते हैं, एचआर राउंड में उतनी दिक्कत नहीं होगी। फिर हम देखते हैं आपका टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में अगर आप प्रोग्रामिंग प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो आपको यहाँ पे डीएससी प्रिपेयर करना चाहिए। डीएससी में आपकी सॉर्टिंग हो गई, रिकर्जन हो गया, एरे हो गया, एरे पे डिफरेंट टाइप मेथड हो गया, ट्रैवर्सिंग हो गई, सॉर्टिंग हो गई, सारी चीज़ें आपको एक बार गो थ्रू करना चाहिए। इनिशियल टाइम पे जब आपका इंटरव्यू होता है, लाइक आप फ्रेशर हो और आप जा रहे हो, उस टाइम पे जो इंटरव्यू होता है उसमें पैटर्न अप्रोच भी पूछ लेते हैं, लाइक इस तरह के पैटर्न बनाने होंगे, ठीक है। ये पैटर्न वाला भी एग्जांपल आपको मिल जाएगा, लूपिंग के थ्रू करना होता है, दो लूप या एक लूप करके, है ना, टू नंबर स्विच का भी आ जाता है कि आपको दो नंबर स्विच करना होता है, लाइक आप विदाउट थर्ड वेरिएबल या थर्ड वेरिएबल इस तरह के यूज करके। तो लाइक एक अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर एक वेरिएबल है ए और इसको 10 दे रखा है, एक वेरिएबल है बी इसको 20 दे रखा है, तो आपको स्विच कह देंगे कि ये दोनों को वैल्यू को स्विच करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू। आपको बी की वैल्यू 10 कर देनी है, ए की वैल्यू 20 कर देनी है। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरह के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टू नंबर स्विच का प्रोग्राम बनाओ। इसके बाद आप प्राइम नंबर का प्रोग्राम देख सकते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर नौ की सीरीज, ठीक है, बनाना देख सकते हैं, फिर नौ की सीरीज बनाना देख सकते हैं, सॉरी फॉर माय राइटिंग, ठीक है। तो आप फिर इस तरह के, मतलब ये मैंने एक दो मेंशन करा है, इस तरह के जनरल प्रोग्रामिंग आप देख सकते हैं, रिकर्जन के प्रोग्रामिंग देख सकते हैं जिसमें फैक्टोरियल आता है और उसमें आप डीप कर सकते हैं फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, रिकर्जन प्रोग्रामिंग, इस तरह के प्रोग्रामिंग आप देख सकते हो। जब आपकी ये दोनों राउंड क्लियर हो जाएंगे, एचआर और टेक्निकल राउंड, फिर आप मैनेजर के साथ एक छोटी सी इंटरव्यू होगी, उसमें आप पैकेज आपसे डिस्कस कर लेंगे और डिफरेंट टाइप का वर्क कल्चर, मतलब थोड़ा सा वो और ब्रीफ कर देंगे और कर देंगे। तो अगर आप सॉफ्टवेयर या टेक्निकल प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो आपका मेन इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप इस पे काम कर लो, डीएससी कर लो, थोड़ा प्रोग्रामिंग स्किल अपनी इम्प्रूव कर लो। प्रोग्रामिंग स्किल के लिए आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जो भी जिसको पे भी आप परफॉर्म कर रहे हो, लाइक जो भी कर रहे हो, जावा कर रहे हो, ठीक है, पाइथन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, स्क्रिप्ट कर रहे हो, कुछ भी कर, जो भी कर रहे हो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें कर सकते हो। टेक्निकल राउंड मैनेजर राउंड में वो आपको पैकेज दे देंगे, पैकेज के बारे में डिस्कस करेंगे और वर्क कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको कंपनी शॉर्टलिस्ट कैसे करना है और कैसे वहाँ पे टारगेट करना है, आप अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। तो आप कंपनी में अप्लाई कैसे करोगे, तो अप्लाई के लिए सबसे इजी तरीका है, आप लिंक्डइन पे जाओ, उन लोगों से कनेक्ट करो जो सेम प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं या सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप उनसे रेफरेंस भी कर सकते हो, और नहीं तो आप पर्टिकुलर कंपनी को फॉलो कर सकते हो, उनके जॉब नोटिफिकेशन आते हैं, उन नोटिफिकेशन के अलर्ट भी लगा सकते हो और वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपनी शॉर्टलिस्ट कंपनी बनाओ, उसके हिसाब से वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन करो, जैसे भी वहाँ पे पोजीशन वैकेंट या वैकेंसीज होंगी या होंगे, पोस्ट अप्लाई करेंगे तो आप वहाँ पे अप्लाई
कर सकते हो, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ से निकल से। लिंक्डइन इज बेस्ट फॉर द जॉब सर्चिंग और अप्लाई फॉर अ जॉब। सो ये हमारा ब्रीफ था फॉर द इंटरव्यू फॉर फ्रेशर। हम इस तरह की और सारी वीडियो लाने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।